कुमारी, सचिन गंगवार, ज्योति सिंह, लवली सिंह, संध्या कुमारी, रानी सैनी, दुर्गा प्रधान, आंचल राय, हर्ष, प्रिया, मोहित, सिकंदर, संजय, अंशु, सभी के कमेंट आ रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्यों ना टाइम बिता दें, आगे बढ़ें फटाफट। हाँ, टाइम क्यों बिताना है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी आए हैं, निवेदन है आप लोगों से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका अपना चैनल है, इसे आगे बढ़ाना है फटाफट, इसे भी कंपटीशन में लाना है। वैसे ये चैनल विशेष रूप से कंपटीशन के लिए है, लेकिन 15 दिन इस पर हम बेसिक पढ़ाएंगे, बाकी इस पर कंपटीशन की क्लासें होंगी आपकी, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह, CTET वगैरह। ठीक है भैया, रुखसार अंसारी, हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, चिरंजी लाल। चलिए, अभी इसके पहले हमने दशमलव के 2-3 क्वेश्चन किए हैं, जो बच्चे उसमें नहीं आए थे उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम उनको शुरू से बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से बताएंगे। अर्चना राय, कमेंट आ रहा आपका, ठीक है। चलिए अब सुनो, इधर साइड में सभी सुनो, ये बताओ इसका आंसर कौन सा है, जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताओ। अगर इसका ए सही है तो बताओ 2A, बी सही है तो 2B, सी सही है तो 2C, कोशिश करो एक बार। तब तक मैं इधर तरीका बताता हूँ। देखो, ये पहला हमारा जो टर्म्स है, पद है, ये है 0.07, दूसरा 0.1, तीसरा 0.01, इनको हमें ऐड करना है। हम सिंपल में जैसे भी जोड़ते हैं उसी तरह का जोड़ लेंगे, पहला मैंने लिख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है प्यारे साथियों, कि आपको डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाना है, सीधा सीधा, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। नीचे देखो, ये तरीका गलत है, अगर ऐसा कोई करता है तो ये गलत हो जाता है। जैसे 0.07 तो ठीक है, अगर ये 2 गिनती का था, अगर इसे कोई ऐसे लिख दे, और भाई साहब ये 3 गिनती के थे, और इनको अगर ऐसे लिख दिया जाए दशमलव ये 0.01, तो ये तरीका गलत है। ये जो रेड में मैंने साइड में लिख दिया ये गलत है, ये पूरी तरह क्या है, ये गलत है। ठीक है, सभी को समझ में आया, फटाफट बताओ, इनको जोड़ दो भैया, इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 8 हो गया, ये 1, इस तरह से आपका 0.18 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए सभी, बहुत ही ध्यान से समझिए, जिनको गणित सीखना है क्लास को पूरा देखना। हाँ, अगर कोई कमी है तो आप बता दो, जैसे हम बहुत ही छोटा पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हैं, या बहुत जल्दी बोल रहे हैं, क्या कमी है, कोई भी कमी होगी तो बता देना, क्लास छोड़ के ना जाना, गणित सिखाने की पूरी गारंटी होती है अगर आपको नहीं आती। लेकिन क्लास को पूरा देखना है आपको, ये नहीं कि भाग जाओ, नहीं, पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस 20-30 मिनट पढ़ना है, ज़िंदगी बदल जाएगी अगर गणित सीख जाओगे। चलो देखो आगे, ये तो एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक और लिख लो इस तरह का, जैसे मान लो मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया, अभी 2 क्वेश्चन उस चैनल पे करवाया था, नहीं तो उसको फिर से करवा देंगे, टेंशन मत लेना आप। चलो 2.13 और प्लस 0.0001, साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या आप गैस कर सकते हो, बताओ हाँ या नहीं, बोलो गैस कर सकते हो कि नहीं। हाँ कुलविंदर कौर, बिल्कुल, ये डेसिमल आज शुरू से स्टार्ट हुआ है भाई, टॉपिक अलग है ना, ये शुरू से स्टार्ट हुआ है। इसका पहला जो आंसर होगा वो इतना हो सकता है, दूसरा ऑप्शन इसका होगा भाई साहब 0.2136, ठीक है, एक ऑप्शन और होगा, और एक ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। क्या इसमें कोई गैस कर सकता है, क्या कोई कर सकता है, विजय, अंकुश राज, प्रियंका राज, और कोई, एनीवन, कोई गेस कर सकता है भाई, सोहन, सभी बता सकते हो कि नहीं। चलो कोशिश कर लो एक बार, फटाफट कोशिश कर लो यार, देखो आप एक बार कोशिश किया करो, नहीं मेरा दिल नहीं करता कि मैं बताऊं, समझ रहे हो ना, हर कोई ट्राई करो, गलत सही कुछ भी ट्राई करो, इसमें कौन सा सही है, एक बार कोशिश करो, नहीं आता कोई बुरी बात नहीं है, आपने कोशिश किया आप महान है, अरे वो तो गधे हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं। चलो देखो, इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है हो सकता है सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है अभी, देखिए पहले से बता देंगे ये गड़बड़ है, पहले हम इसको हल करेंगे आप लोग के सामने, हमें भी नहीं आता, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें भी नहीं आता। लवली सिंह का बी आ रहा है, संजय का बी आ रहा है, अतुल का डी आ रहा है, अंकुश का भी ओके बोल रहे हैं। चलो अंकुश, देखो सबसे पहले पहला टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.003। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है,
दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है यहाँ पर। दशमलव के राइट साइड देखो, यहाँ पे वन और थ्री है, मैंने वन और थ्री लिख दिया। भैया हो, बाबू हो, राजा हो, इधर साइड में देखो, अगर आप डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो टू है, इसको मैंने लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने दो पद ये और ये लिख लिए, अभी तीसरा बचा है। इंग्लिश में शायद इसे टर्म्स बोलते हैं, हिंदी में पद ना। यहाँ भी डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर साइड में आप देखो तो वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री जीरो है, यहाँ पे वन है, इधर साइड में कुछ नहीं, जीरो है। ये बना इसका रियल में स्ट्रक्चर, इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। प्रियंका राज, समझ में आ रहा है भाई? चिरंजी लाल, आपको भी आया ना बच्चा, आया ना बाबू, सबको समझ में आया ना? चलें, अब देखो इनके ऊपर कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान दो ये बराबर कर लो सीढ़ी, ये देखो एक सीधा में है, ये सीधा में है, इसके बीच में कुछ नहीं, यहाँ जीरो हो गया। इस वन के ऊपर कुछ नहीं है, ये चीज़ आपको बराबर करके रखना है। दशमलव के जोड़ना घटाना में यही गड़बड़ होता है, ये छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे कक्षा दो वाले को, ये जो भी छात्र टेट सी टेट सुपर टेट देते हैं, डीएलएड देते हैं, रेलवे ग्रुप डी देते हैं, एसएससी देते हैं, जिनको मैथ नहीं आती है, जिन्होंने कंपटीशन देने के लिए तो सोचा है लेकिन मैथ की वजह से अंदर अंदर शर्मा रहे हैं, ये बीमारी किसी को बता नहीं पा रहे कि मुझे मैथ नहीं आती, बिल्कुल एक्को नहीं आती, कुछ नहीं आता, हाँ ये उनके लिए होती है। भाई उम्र हो चुकी है 28-30 साल, 18 साल 20 साल, तो कहाँ जाके कोचिंग में बैठ के किससे पूछेंगे, बड़ी शर्म लगती है। हाँ कहीं वो जान गया, वो जान गई तो गड़बड़ है। हाँ तो कुछ कोई जानने ना पाए, और आप सीख भी जाओ, उसका तरीका यही है कि यहीं पे आके पढ़ो चुप्पे से। चलो मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं सही क्या, चलो ठीक है, इसका देखो वन हो जाएगा, ये कम चल रहा है, इसमें देखो ऊपर कुछ नहीं है, तीन, ये देखो तीन वन, यानी 2.1331। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, इसे कभी भी 2.1331 या फिर 1331 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, इसे हमेशा पढ़ेंगे 2.1331, ठीक है। या फिर एक चीज़ और यहाँ समझ लो, अगर हम ऐसे लिखे हैं ना भैया, तरीका समझ लो मैथमेटिक्स का, अगर ये ऐसे लिखा है ना तो इसे कभी भी 4.51 नहीं बोलोगे, अगर किसी को बताना है, बाकी लिखने की बात तो अलग है, इसे हमेशा बोलेंगे 4.51, क्या बोलेंगे 4.51, क्या बोलेंगे 4.51, ये चीज़ आप याद रखना। दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है, उसे एक एक डिजिट गिना जाता है, अगर किसी को आपको बताना है तो, नहीं तो आप कहेंगे आप पढ़े लिखे नहीं हो, एकदम नालायक हो, बेवकूफ़ गधा है का, हाँ अगर इसे 4.51 बोलोगे। हाँ बाकी लोग असभ्य भाषा में बोल देते हैं, वो अलग बात है। चलो तो ये सभी समझ गए, जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, ये आपका अपना दूसरा छोटा चैनल है, इस पर अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 6-7 हज़ार हैं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया, ठीक है, निवेदन है हमारा, सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस पर कॉम्पिटिशन की क्लासें होंगी, सिर्फ 15-20 दिन हम इस पर बेसिक पढ़ाएंगे, इस चैनल पर 15-20 दिन बेसिक पढ़ाएंगे, फिर कॉम्पिटिशन की ही क्लासें होंगी इस पर, बाकी क्लासें PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर आपका बेसिक चलता रहेगा। आ गया सबको समझ में? बहुत अच्छे। चलो तो ये था आपका जोड़ना, अब ज़्यादा बोर ना करें, आपको घटाना भी बता दें, फिर बाद में रिपीट करवा देंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या और भी क्वेश्चन करवा देंगे, थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि लोग चेंज होना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा देर पे। चलो 0.321, इसमें से अगर हमें 0.21 सबट्रैक करना हो तो कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे क्या? इसका पहला ऑप्शन है भाई, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में नॉन ऑफ डिजिट था, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। चलो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये हाँ ओके ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा 0.300, एक हो जाएगा नॉन ऑफ डिजिट। इसका आंसर कोई गैस करेगा? एनीवन कोई बताएगा? अतुल कुमार आप ही बता दो भैया। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। निशा कुमारी टाइम बेटा, दो क्लास का टाइम इसका है, रात 9 बजे, डेली रात 9 बजे से क्लास होती है, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रेगुलर होती है, लेकिन 15-20 दिन इस जून के महीने में 2021 में ये इस चैनल पर हो रही है अभी।
समझ रहे हो ना। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, बिल्कुल निसंकोच पढ़ते रहें, फ्री पढ़ते रहें। अगर आप इसे यूट्यूब या फेसबुक पर कहीं भी डेमो देख रहे हैं तो बाकी आप PVR स्टडी ऐप में जाके पूरा इकट्ठा भी देख सकते हो, वहाँ पे पूरा कोर्स है अच्छे से सिस्टम से। यहाँ पे तो मैं जो पढ़ा ही रहा हूँ ऐसे ही उसमें भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको इकट्ठा मिल जाएगा बस। चलिए श्रुति बहुत अच्छे, वेरी गुड। रुखसार अंसारी, ज्योति सिंह, दीपक यादव, प्रांजल, प्रिया कुमारी, प्रियंका राज, साधना कुमारी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। आप सभी जानते हो कुछ बड़ा बात नहीं है। देखो आप लोग डरते हो, एक चीज़ विशेष अपने दिमाग में रखो, अगर आपको गणित सीखना है आपको बिल्कुल हिचक नहीं करनी अंदर से, डरना नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा शेर नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना से बड़ी नहीं है ये, समझ रहे हो ना। कोरोना तो लोग हरा दिए ना, गया, देखते हो चलते हैं बिना मास्क लगाए, हाँ कितना भी कह लो, पुलिस देखेंगे तब लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और कोई भी वैक्सीन आ जाए तो गांव में ऐसा बोलेंगे भैया कि उसके खिलाफ ऐसा बवाल मचा देंगे ना कि क्या कहें। पोलियो की दवाई आई थी उस पर भी मचाए थे। देखो इधर समझो, इसको क्या करना है, सब ट्रेक करना है, 0.321 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और देखो ये 2 है और 1, याद रहे कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव, उसके बगल जो जैसे है वैसे ही लिख दोगे। इधर साइड इसके नीचे कुछ नहीं, 0 बढ़ा लो, इसकी पूर्ति कर दो। अर्चना राय बहुत अच्छे, वेरी गुड। संजय, अंशु, ठीक है, 1, ये 1 सब ट्रेक हो रहा है, ये 1 और ये दशमलव जहाँ था वहीं रहेगा, इस पे इसको कोंच दो ऐसे, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत से बच्चों का हम नाम नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमें पढ़ाना है। आप सोच रहे हो कि सबका नाम लें तो भैया पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ लोग को लग रहा होगा जिनका नाम हम बोल रहे हैं उनका कमेंट भी उनको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जो हमें कमेंट दिख रहा है एक बार घूमे जो नज़र में आ गया बोल दिए। चलो आप सभी समझ गए इसको, वैसे घटाने में कुछ है नहीं ज़्यादा, आप लोग कर ले जाओगे, जैसे जोड़ना होता वैसे घटाना होता है। चलें आगे बढ़ें, आप लोग ये बताओ समझ में आ रहा ना सबको, मज़ा तो आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को, बता दो अगर कोई दिक्कत हो रही तो। भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, और मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास को पूरा देखना, अगर गणित सीखना है तो जाना नहीं, बिल्कुल जाना नहीं तुम, अगर चले गए तो फिर हम नहीं जानते। चलो इसका आंसर कितना आएगा, इसको सब ट्रेक करना, ये भी डेसिमल में दिया है, जरा सब ट्रेक करके देखो, देखो कितना आएगा, सोच के बताओ। चलो जल्दी करो फटाफट, इसका जो पहला ऑप्शन है 1.0321, दूसरा ऑप्शन है 0.00321, तीसरा ऑप्शन है 1.000 और 0, हाँ चौथा है नॉन ऑफ दीज। देखिए बहुत से साथी ने कमेंट कर दिया इसमें, ठीक है बहुत अच्छे। राज पटेल बेटा देखो परेशान ना रहो, कमेंट ना करो, पढ़ाई करो, हाँ उत्तर तो बताते नहीं तुम, हम नज़र में कहाँ से आए, हाँ उत्तर तो तुम बताओगे नहीं, उत्तर बताओ सबसे पहले, उत्तर सबसे पहले बताओ। चलो देखो इसका ये पहला जो भी नंबर है इसको ऐसे लिख लेंगे प्यार से, इज्जत मान सम्मान के साथ, उसके बाद दूसरा वाला भी वैसे लिख लेंगे पूरी इज्जत के साथ, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे 1.0032। बस इनको क्या करना है, सब ट्रेक कर देना आपस में, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ। चलो अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है भैया, तो इसके ऊपर 0 रख लो, बराबर हो जाए इसका हिसाब। अब देखो क्या करेंगे, इसमें 0 से तो 2 घटेगा नहीं, इसमें से एक उधार ले जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा 8, 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, सही है ना, ये 1 बचा, ये इसको एक उधार देगा। भाई घटाना तो तुम लोग जानते हो, अब इसमें तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ सब ट्रेक करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। अब अगर घटाना भी ना जानते हो तो बताओ, जानते हो ना सभी, तो 11, 11 में से 3 गया 8, मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ये 9 और ये 2.1 1.2988 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सबको समझ में आ रहा ना। चलिए कोई अगर किसी को समस्या तो बता देना है।
लगा देना है, अब अगर घटाना भी ना, कोई दिक्कत है तो बता देना, बिल्कुल ठीक है। राज पटेल बच्चा, आप ज़्यादा डिस्कस करोगे तो सिर्फ ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। इसलिए निवेदन है उत्तर बताओ, अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता है तो फिर क्या करें बताओ, हाँ उत्तर नहीं आता आप सीखो, पढ़ो, कुछ दिन पढ़ो, आने लगेगा फिर आप भी बताना, आपका भी नाम बोला जाएगा। आप अगर ये सोचो सिर्फ नाम के पीछे पड़े रहो, देखो यार एक चीज़ समझ लो, आप चाहे छोटे हो या बड़े, ज़िंदगी में अगर अच्छा काम करोगे ना तो खुद ब खुद नाम हो जाता है, और अगर सिर्फ नाम के पीछे पड़े रहो ना तो नाम नहीं होता है। ये चीज जान रहे हो कि नहीं, तुम जान रहे हो कि नहीं, पता है ना आपको। तो भैया क्या करोगे आप, अच्छा काम करो खुद नाम हो जाएगा, मेहनत करो कहीं भी स्कूल या कॉलेज में, उसी छात्र का नाम टीचर के मुंह में रहता है सामने, जो सबसे तेज होता है या तो सबसे ज़्यादा गधा होता है, हाँ जो मध्यम में होता है उसका कोई नाम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये घटाना भी आप कर लोगे, अब हम करेंगे गुणा, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, आप गुणा पे आ गए। थोड़ा थोड़ा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, बाकी तो आप सब जानते ही हो, आप छोटके बच्चे थोड़ी हो। चलो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है इसका 2 3 5 1 6 0 0 0 3, दूसरा है, चलो ठीक ये है नॉन ऑफ दीज, चलो बताओ इसमें कितना आएगा, कोई बताए नहीं, मन कोशिश करे, चलो बताओ राज पटेल बच्चा बताओ, जल्दी बताओ आंसर बताओ तुम फटाफट, चलो बताओ 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 बताओ। सातवां में सेवन डी ऐसे लिखोगे, सिर्फ डी ओ बी नहीं लिखोगे, सेवन डी लिखो, जो सेवन का जवाब दे रहा है सेवन डी लिखो, या सेवन ए लिखो, या सेवन बी, जो भी सही है वैसे बताओ। अतुल मिश्रा, यम भाई गेमिंग, लवली सिंह, अंकुश, देखो बच्चा तुम अभी तक उत्तर नहीं दिए। राज पटेल मिस्टर, अभी तुम कहोगे मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हारा नाम मैं क्यों बोलूँगा, जब तुम आओगे ही नहीं कंपटीशन में तो क्यों बोलूँगा। कुलविंदर कौर, बहुत अच्छे। अतुल कुमार, बेटा तरीका गलत है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर इंक्लूड करोगे, सेवन है तो सेवन जरूर लिखोगे, अगर ए है तो सेवन ए, बी है तो सेवन बी। देखो कुछ भी ना जानो तुम, इधर देखो, जाने तो छोड़ो, हमें क्या करना है, तीन नंबर का मल्टीपल करना है, गुणा करना है। सबसे पहले हम पहला लिख लेंगे 0.03 इंटू 0.001 इंटू 2। देखो हम जानते हैं कि दशमलव में बड़ा झमेला है और दशमलव का गुणा करना हमें आ नहीं रहा है, तो हम एक काम करेंगे, वो क्या है पता है आपको, देखो मुझे लग रहा लाल वाले से लिखना ठीक नहीं है ना, कम दिखता है ना आप लोगों को, तो सारी गिनती लिख लो, जैसे ऊपर तीन है, इसमें देखो वन है, इसमें क्या है दो है, बाकी और टेंशन छोड़ दो, दशमलव का टेंशन आप छोड़ दो, मुझे लग रहा वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है दशमलव का टेंशन छोड़ दो, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब आपको दशमलव का टेंशन करना है, वो क्या करना है समझो, यहाँ पर देखो कोई भी दशमलव नहीं है, यहाँ पर देखो तीन अंक पर दशमलव है, यहाँ पर दो अंक पर दशमलव है, तो बच्चा फाइनल में 5 अंक पर दशमलव होना चाहिए। एक बात याद रखना, गुणा करने पर दशमलव जितने जितने अंक पे होता है सबको जोड़ लिया जाता है, जैसे देखो इसमें 2 अंक पर दशमलव है, इसमें 3 अंक पर दशमलव है, तो 3 2 ये 5, ये अब फाइनल में जो आंसर आएगा वो 5 अंक पर डेसिमल के साथ आएगा, 5 अंक पर दशमलव होगा। तो भैया एक अंक तो यही हो गया, 4 ठी 0 बढ़ा लो, ये 4 ठी 0 बढ़ा लो, यहाँ पे दशमलव और ये 0, दशमलव के पहले 0 अवश्य बढ़ाते हैं, ये मैंने पहले क्लास में बता दिया है कि ये 0 क्यों होता है दशमलव के पहले। अंशु मिश्रा, संजय, राज पटेल, रोहन, ठीक है, इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, डी वाला सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अंशु मिश्रा बी बता रहे हैं, बच्चा इसमें देखो ये और लंबा है, बी में 5 ठी लगा है, ठीक है आप लोग लिख लो, इसकी मुझे लग रहा थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, हाँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा कम दिख रहा है ना, चलो फटाफट लिख लो, लिखो आप लोग लिखो लिखो, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने भी सीखा है थोड़ा बढ़ाना, बढ़ गया कि कम हुआ, बढ़ रहा है, चलो ठीक है, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना,
चलो ओके, अब एकदम क्लियर है। अब तक थोड़ा सा ब्लर हो रहा था क्योंकि वोल्टेज कम है, यहाँ पे लाइट का वोल्टेज कम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना भैया, लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, और तेज करना चाहिए फास्ट क्या, हाँ और फास्ट करना चाहिए क्या? अगला लिखो, अगला लिखो, 8 नंबर डाल दो, 0.001 × 0.1, इसका आंसर कितना आएगा भैया बता दो। चलो चलो बता दो बता दो बता दो, ये बता दो कितना आएगा, कोई बताए? एनीवन? दुर्गा प्रधान, रोशन, यम भाई गेमिंग, ठीक है बहुत अच्छा, मेहनत करो होगा। देखो समझो मैं बताता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वन है, इसमें भी वन ही है, तो फाइनल में मल्टीपल करने पर वन आएगा, वन के सिवा और तो कुछ आएगा नहीं। हाँ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई साहब, वन आएगा बाबू। तो वन को क्या करोगे आप, लिख लो, यही वन आंसर हो गया। लेकिन दशमलव का हिसाब करोगे, यहाँ पर 1 अंक पर है, यहाँ पर 3 अंक पर है, तो 4 अंक पर दशमलव होगा, 1 अंक ये खुद है, 3 ठी 0 बढ़ा लोगे, यहाँ पर दशमलव, ये हो गया आंसर। देखिए जिनको बेसिक नहीं आता ना, उनको कैलकुलेशन नहीं आएगा कंपटीशन में, और अगर कैलकुलेशन नहीं आया ना तो कुछ होने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही ना सबको, सबको समझ में आ रही ना भैया बबुआ, छाप लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी लिख लो। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझिए, आप सभी रेगुलर क्लास में आया करिए और पढ़िए, सब समझ में आएगा। 9 नंबर में चले, ये था दशमलव का क्या, जोड़ घटाना और गुणा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं इसमें, आप लोग सोच रहे होंगे कि काहे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है फटाफट आपको, और सब आपको आना भी चाहिए। चलो 3 2 ये डिवाइड बाई क्या होगा, समझते चलो, 0.02 लिखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सोच के बताओ इसका आंसर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है इसका 0.16 आएगा, दूसरा है 0.016 आएगा, तीसरा 16 आएगा, चौथा नॉन ऑफ दीज, 9 में A B C क्या आएगा, जरा सोच के बताओ A B C क्या आएगा, बताओ जल्दी करो फटाफट, देर ना करो भाई। कितना आएगा, कोई एनीवन? ज्योति सिंह, लवली सिंह, संजय, अंकुश, देखो हम बताते हैं, सबसे पहले ये नंबर लिख लो, यहाँ पर डेसिमल 0, ये गड़बड़ हो रहा है, अरे भाई इसको लिख लिया तुमने, इसको हटाओ, भाग का चिन्ह लगाओ, 0.02, इनको हमें क्या करना है, हल करना है। सबको समझ में आ रहा है, देखो समझते चलो, पूरी बातों को समझते चलो। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ऐसे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये बगल बगल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो इनको हम क्या करेंगे, बीच में करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है का, देखो थोड़ा सा कम करता हूँ, चलो देखो समझो, तो इनको क्या करेंगे, हम थोड़ा बीच में करेंगे, बीच में मतलब अरे ऐसे कर लेंगे, ये भाग का चिन्ह हटा के इनको नीचे भी तो लिख सकते हैं, नीचे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, जैसे ये लिखा है वैसे इसको भी लिख सकते हो, भाग का यही मतलब होता है। तो भैया हो, बाबू हो, अब अगर तुम ऐसे कर लिए तो इसमें कौन सी डर है, 2 अंक पर ऊपर दशमलव है, 2 अंक पर बराबर नीचे भी है, दशमलव हो जाएगा ख़त्म, फाइनल में 16/2 आएगा बचवा, ओ सॉरी 32/2 मतलब 16 16 इसका आंसर होगा, सी नंबर सही है, रफ्तार गोलू आर्या, मनोज यादव, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, चलो समझ में आ गया सबको ना, ये होता है तरीका दशमलव का भाग। लेकिन यहाँ पर जुगाड़ लग गया क्योंकि दशमलव बराबर बराबर अंक पर था, अरे गधों अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, जरा देखो इधर साइड में, हमारी बात को आप बुरा मत मानना, मैं तो प्यार से बोलता हूँ, हाँ इतना बड़ा प्यार है,
तभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अब थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी, अब थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी, सोच के बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी करो, देर ना करो, 5 घंटा ना लगाओ बचवा, चलो जल्दी बता दो कितना आएगा सोच के। चलो चलो देखो, अब इसका आंसर बदल जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे ये आएगा, ये सेटलमेंट कर लेगा अपना। अब आप सोच रहे हो कि दशमलव तो इसमें भी 2 अंक पर ही है। हाँ, इसमें भी 2 ही अंक पर है दशमलव, बट ऐसा तो गलत है। उसके बाद तो हम यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं। अब बताओ कितना आएगा, सोच के बताओ कितना आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे कर दें, इसका भी दशमलव हम ये 0 हटा सकते हैं। दशमलव के बाद कोई गिनती है, फिर कितना भी 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम वो 0 हटा सकते हैं, उसे भगा सकते हैं। समझ गए ना, समझ गए ना। फिर क्या करेंगे अब बताओ, फिर अब क्या करेंगे। देखो आप फंडा समझो, अगर मैं एकदम बेसिक चलूं तो इसको थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो समझो कैसे। देखो बच्चा, हमें सबसे पहले एक काम करना है, नीचे से दशमलव हटाना है, एक बार ऊपर से दशमलव हटाना है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा बड़ा होगा, समझना ठीक है। तो हमें नीचे से दशमलव हटाना है, नीचे दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक पर है। तो अगर नीचे 1 अंक पर दशमलव है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ये हमारा नीचे का दशमलव के लिए हो गया काम। अब हमें ऊपर से भी दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। देखो ये फंडा लगता है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे, फिर 2 अंक पर दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे। तो चलो करके देख लेते हैं क्या बनता है, क्या ये ऐसे सही होता है, नहीं होता है। देखो ये, देखो यहाँ पर 3 अंक 0 है ना, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 है। तो भैया ये इतना हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 3 0। नीचे हमें 1 अंक पर दशमलव लगाना है, ऊपर कितना पर लगाना है भाई, ऊपर 2 अंक पर दशमलव था ना, तो 2 अंक पर लगाएंगे क्यों। फिर क्या होगा, ये 320 बटा 200 बचेगा, 1 0 से 1 0 काट दो। ये तो गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, बताओ क्या ये सही हुआ कि नहीं। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करना होगा। चलो जल्दी से बताओ ये सही है कि नहीं, कितने लोगों को लग रहा है ये सही है। देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, कुछ लोग तो वैसे भी कर देंगे बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन करे ही कर देंगे। आप ऐसे समझ लो वो 32 पैसा है या 20 पैसा है, बस वो क्या है, 32 पैसा है, वो क्या है, 20 पैसा है। चलो जल्दी करो फटाफट, हो गया सभी कर लिए। देखो अब मैं आगे बताता हूँ, आगे समझो क्या ये सही है कि नहीं सही है। अब ये तो इसमें मालूम ही नहीं चलेगा ऐसे ही। देखो मैं बताता हूँ, एक काम करो तुम, ये 32/20 बचा है ना भैया, हो 32/20 को तुम लिख सकते हो 2×10, लिख सकते हो कि नहीं भैया, 20 को 2×10 लिख सकते हो ना बाबू, लिख सकते हो ना। तो तुम एक काम कर लो, 2 से इनको काट दो, ये हो गया 16। अब ये हो गया 16/10, फाइनल में 1.6 हो गया है ना, कितना प्यारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, तरीका सही था ना, जो मैंने बताया वो गलत नहीं था, सही था, वो घूम के वहीं गया फिर से। लिख लो फटाफट, लिख लो, छाप लो, 1.6 आंसर आया इसका सही। सबको समझ में आया ना। अंजलि धक्कड़ जी, अच्छा इनका नाम है ये, गुड मॉर्निंग अंजलि धक्कड़, गुड मॉर्निंग इन्होंने अपने नाम में लिख लिया, जिससे कहीं कमेंट करें तो इनको गुड मॉर्निंग ना बताना पड़े। ठीक है, सबको समझ में आया, सभी बोलो जल्दी से यस, फटाफट बोलो यस, और इस सेशन को लाइक जरूर करोगे सभी, फटाफट लाइक करो, देर ना करो। देखो किसी को क्लास छोड़ के जाना नहीं अगर गणित सीखना है बाबू, ठीक है। अगर आप चले गए ना तो मेरा दिल टूट जाता है अंदर से, मतलब छोटा छोटा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा में, फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बंद कर दूंगा, जान लो। अगर एक भी बच्चा कम हुआ ना तो फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं। चलो मुझे लग रहा है तुम लोग जा रहे हो, आगे बढ़े, समझ में आया ना। ये तब होता है जब दशमलव बराबर बराबर अंक पे ना हो ऊपर नीचे। सबसे ज़्यादा अगर मैं मानूँ तो भाग वाला ही कठिन होता है, ये भाग वाला ही कठिन होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे इसी में लटकते हैं, कैलकुलेशन में बच्चे इसी में लटकते हैं। बैटरी लो हो गई, 1 मिनट मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, सिस्टम लो हो गया बैटरी भाई, थोड़ा सा बस
ये लो। ओके चालू नहीं हुआ अभी। आप लोग जल्दी से सभी साथी सेशन को लाइक करो, मैं इसको चार्जिंग में लगा के बस आगे बढ़ता हूँ तुरंत। आज यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि इस समय लोग बहुत बिजी चल रहे हैं। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको आता है अच्छे से ना, तो आप मैथमेटिक्स बड़े प्यार से निकाल ले जाओगे चाहे कोई भी परीक्षा हो। लेकिन कैलकुलेशन मेन होता है। कैलकुलेशन कब आता है? जब हमें छोटी छोटी सारी चीज़ें आने, छोटी छोटी हमें सारी चीज़ें आने लगें तो कैलकुलेशन बेहतर हो जाता है। और कोई भी बच्चा मुझे पता है ज़्यादा देर पढ़ता नहीं है, इसलिए क्लास को ज़्यादा देर नहीं चलाने का कोई मतलब नहीं है ना। देखो समझो, 10 नंबर अगला देखो। देखो कुछ बच्चे चले गए, 2-4-6 बच्चे चले गए। अगला देखो, 2.16 डिवाइड बाई 0.8, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? जरा सोच के बताओ। कोई भी रेड कलर में लिखा है, दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ ज़्यादा चमक रहा है क्या बोर्ड? बता देना, अगर कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? ज़्यादा चमक होगी तो बता देना। चलो फटाफट लिखो। आज ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा कम हो रहा है, इस वजह से चमक कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती। आगे चलें। चलो देखो इसका आंसर कितना आएगा। हल्का दिख रहा है रेड वाला, हल्का दिख रहा है रेड वाला, मैं फेंक ही देता हूँ, हटाओ। चलो रेड वाला मैं फेंक दिया। अब देखो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा, 8 से भाग करोगे तो कितना होगा भाई, ये कटेगा क्या? 2-3 1.32 या फिर नॉन ऑफ दीज। देखिए आपको कोशिश करना है इसमें से कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा। प्रियंका राज, अमिश, नीरज, अनूप, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए ट्राई करते रहिए फटाफट, सभी ट्राई करते रहो जल्दी से, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो 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 चलो, कोई जाएगा नहीं क्लास छोड़ के। चलो ठीक है, बेहतर है, सब कुछ गुड है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो ठीक है, मस्त है, सब कुछ मस्त है, एकदम पूरा मस्त है। दस में देखो, अंकुश का आ गया, मनोज का आ गया, अमरीश का आ गया, प्रियंका, चिरंजी लाल, संध्या। देखो इसको ऐसे लिख देंगे 2.16, नीचे लिखेंगे 0.8। हमें क्या करना है, ऊपर से दशमलव हटाना है, नीचे से हटाना है। एक चीज़ हम यहाँ पर और भी समझौता कर सकते हैं शॉर्टकट में, अगर बेसिक ना करें बहुत वैसे समझें तो इसमें हम एक समझौता ये कर सकते हैं कि ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, नीचे 1 अंक पर है। हम एक काम करें, ऊपर से दशमलव 1 अंक दाई साइड खिसका दें और नीचे का दशमलव ख़त्म कर दें, ये हो सकता है कि नहीं बोलो? ये समझौता हम कर सकते हैं कि ऊपर जो 2 अंक पर दशमलव है उसे हम 1 अंक पे लगा दें ऐसा, और नीचे से दशमलव हटा दें। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 अंक पर है दशमलव, नीचे 1 अंक पर है। अगर ऐसे होता 2.16 और 0.08 होता तब तो भैया काम बना था। जितना तुम्हारे पास परेशानी है, प्रॉब्लम है, उतना मेरे पास भी है, दोनों लोग बराबर थे। मतलब दशमलव हम पूरी तरह से हटा सकते थे। अगर दोनों पर बराबर बराबर अंक पर दशमलव होता, ऊपर भी 2 अंक पे, नीचे भी 2 अंक पे, तो हम पूरी तरह हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पे 1 ही अंक पर है। समझ में आ रहा है ना? अंशु मिश्रा, बच्चा तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा बाबू, ठीक है, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा, अपना इंटरनेट सही कर लो। यहाँ पर लाखों का सेटअप हम बनाए हैं और हम खुद देख रहे हैं, सब दिख रहा है, तुम कैसे कह रहे हो नहीं दिख रहा है? हाँ समझ में आया ना? तो अब इसे फाइनल में क्या करेंगे, जरा समझो फाइनल में क्या करेंगे। अब ऊपर 1 अंक पर दशमलव है तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर से दशमलव फाइनल में हटा दो, नीचे 1 जीरो बढ़ा दो। क्यों? ये समझ में आया कि नहीं बोलो? ये समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया ना भैया, आया ना बबुआ? चलो फटाफट इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। अब इसको हल करेंगे, इसमें पता नहीं कैसे दिख रहा है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हमें हल करना है, कैलकुलेशन करना है, काटो पीटो इसको, छोटा करो जितना कर सको बस, और क्या करना है? इसमें मुझे लग रहा है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा।
देखो ये 8 से कटेगा क्या, लास्ट में 6 है, कभी भी 8 से नहीं कटेगा। आप इनका एलसीएम ले लो दोनों, एचसीएफ जितना आएगा उसी से काटोगे, दोबारा नहीं कटेगा। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कभी आ नहीं रहा है। ठीक है, आप यहीं पे इसको ख़त्म कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करना है कंपटीशन की परीक्षा में कहीं ऐसा कुछ है तब। लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं कंपटीशन में, हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो अगर हम इसे 4 से काटें तो कहीं 4 से कटने वाला है नहीं, 2 से कटेगा, 2 × 2 108 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितने से कटेगा कोई बताएगा, कि एक ही बार में कट जाए, दोबारा ना काटना पड़े? देखो सम संख्या से ही कटेगा, अगर हम इसे 4 से काट दें, ये 4 से कभी कटेगा नहीं, 8 से, 8 × 2 = 16, 8 से कटेगा ये, देखो 8 × 80, 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 5 बचेगा, 8 × 7 = 56, यही सही है। 27/10 बराबर आएगा 2.7, क्या आएगा भैया, 2.7 आएगा, बहुत अच्छे, 2.7 आएगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, समझ में आया ना? छाप लो, फटाफट छाप लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, बिल्कुल मस्त है, सब कुछ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बता देना कि मुझे दिक्कत हो रही है, गड़बड़ हो रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आया ना? देखो ये क्या है, कैलकुलेशन है, इसी को क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। अगर आप इसे फास्ट करोगे बेहतर होगा। अब आप लोग बताओ मुझे, अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत बता दिया, अब तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। चलो चलो सभी रेडी हो बताने के लिए, रेडी हो सभी ना? क्वेश्चन नंबर 11 ले लो, मान लो 4.32 डिवाइड बाई 912, इसका आंसर कितना आएगा कोई बताए, एनीवन, बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के बताओ आप लोग, चलो जल्दी करो। देखिए इस तरह से आपका दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग खत्म हुआ, यानी कि मैथ आएगी नहीं, दौड़ेगी, उसका 19वां भाग खत्म हुआ। 18वां भाग तक आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था। ये क्लास अगर आप YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही क्लास मिली होगी, छोटी सी जो भी ना, आप चाहें तो ये पूरा क्लास एक साथ ले सकते हैं, मात्र 30 दिन में मैथ सीख सकते हैं। इसके लिए आप PBR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन में जा करके कोर्स को इनरोल करें, पूरा कोर्स एक साथ ज्वाइन करें और कम्प्लीटली पढ़ें, घर बैठे बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, बाकी अगर ऐसे ही पढ़ना है, एक एक क्लास पढ़ना है, तो YouTube पे हमारी क्लासें आती रहती हैं, आप देखते रहिए जब भी मिले, रेगुलर इस समय रात का जो टाइम है 9 बजे से है। ठीक है ना साथियों, तो फिर बंद किया जाए आज का ये क्लास यहीं पे, सभी कह रहे हो कि बंद किया जाए ना, आज का ये सेशन यहीं पे बंद किया जाए, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, ओके। अरे बंद हो जा भाई, ठीक है बंद किया जाए।